गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग अमृत जी, लेक्चर शुरू करें। जी सर। हाँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ना, अब कल स्टेटस स्क्रू के बारे में हम लोग पढ़े थे और आज लॉकिंग डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ेंगे, है ना। ये जो है ना, लॉकिंग डिवाइसेस का मतलब होता है ये जो नट है ना, दो नट इसमें लगाया जाता है। देखिए, दो नट का मतलब है कि ये लॉक कर दिया जाता है। ऊपर वाले नट को ना लॉकिंग नट बोलते हैं। देखिए, एक नट लगाएंगे ना तो वो आपको लॉक नहीं होगा, तो ये आपको लॉकिंग डिवाइसेस है। ये देखिए, आपको लॉक किया गया है। मशीन में कोई पार्ट को लूज होने से बचाने के लिए, मशीन लूज नहीं हो, मशीन में वाइब्रेशन नहीं हो, ये आपको लॉक नट यूज किया जाता है। दोबारा इसमें आपको लॉक नट यूज किया जाता है जिससे कि जो है लूज नहीं हो, है ना। ये नट जो है हमेशा, कोई भी मशीन में वाइब्रेशन होता है ना, काम करते हैं ड्रिलिंग मशीन में, मिलिंग मशीन में, आपको वाइब्रेशन होता रहता है। वाइब्रेशन होने से क्या होगा ना कि जो ये अगर एक नट लगाएंगे ना तो वो धीरे धीरे आपको ढीला होकर के आपको खुल जाता है, है ना। तो इसीलिए ना ये लॉक नट लगाया जाता है। ये लॉक नट लगा दिए तो आपको जो है वो आपको वाइब्रेशन नहीं होता है। तो लॉक नट किसे के कैसे कैसे होता है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। पहला तो ये आप ड्राइंग बना लीजिएगा लॉक नट का, है ना। पहला ये ड्राइंग बनाइएगा। दूसरा, ये स्प्लिट पिन है। स्प्लिट पिन लगा देते हैं। ये आपको 16 साइजेज में 0.6 mm से 20 mm डायमीटर में आपको अवेलेबल रहता है, है ना। और स्फेरिकल हेड आपको बनता है, और स्प्लिट पिन आपको यहां पर जो है ना अंदर से छेद करके उसमें डाल देते हैं, है ना। तो आपको वो आपको आपको प्रिवेंट नहीं करता है। दूसरा मेथड है स्प्लिट पिन। तीसरा मेथड है स्लॉटेड नट। ये इसमें स्लॉट बना दिए जाते हैं, है ना। स्लॉट बना दिए जाते हैं, स्लॉट बना करके आपको स्प्लिट पिन लगा दिया जाता है, है ना। तो आपको जो है आपको लॉक हो जाता है। और ये आपको चौथा है कैसल नट। ये आपको कैसल नट के बारे में आपको दिखाया गया है। देखिए, ये कैसल नट है। ये आपको सिमिलर टू द स्लॉटेड नट है, और सेमी सर्कुलर एंड कट्स इसमें आपको रहता है, इसको कैसल बोलते हैं। और ये कैसल नट आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपको एग्जाम्पल आपको आपको बनाया गया है ना। ये कैसल नट लगा देने से ना आपको मशीन में वाइब्रेशन नहीं होगा, है ना। ये आपको आपको कैसल नट का एग्जाम्पल है ना। ये आपको कैसल नट हो गया। और अगला टाइप है स्वान नट और द वाइल्स नट। देखिए, ये आपको स्वान नट का एग्जाम्पल दिया गया है। स्वान नट में ये नॉर्मल हेक्सागोनल नट रहता है, लेकिन इसमें यहां पर आपको कटा हुआ रहता है ना। ये टेप्ड होल आपको कट रहता है इसमें, जिसमें कि आपको सेट स्क्रू इसमें लगा दिया जाता है। सेट स्क्रू लगा करके आपको टाइटन कर दिया जाता है। ये आपको ये आपको स्लैकनिंग से आपको जो है वो आपको बचाता है। ये आपको स्वान नट और द वाइल्स नट है, है ना। स्वान नट और द वाइल्स नट है, है ना। ये आपको और अगला नोट है सीमेंट्स लॉक नट, है ना। सीमेंट्स लॉक नट, देखिए इसमें आपको क्लोज्ड कैविटी है, फाइबर रिंग इज इनसाइड, इसमें आपको फिट किया जाता है, है ना। फाइबर रिंग अंदर में आपको इसमें, ये आपको फाइबर रिंग अंदर में डाल दिया जाता है, जिससे कि ग्रेटर ग्रिप हो जाता है, आपको आपको प्रिवेंट नहीं करता है, है ना। सीमेंट्स लॉक नट है। सीमेंट्स लॉक नट हो गया। और सीमेंट्स लॉक नट के बाद आपको, ये आपको ग्रूव नट है, पेन रिंग और द ग्रूव नट। देखिए, यहां पर ग्रूव बना दिया गया है, है ना, है ना। द डॉग पॉइंट थ्रू द टैप्ड होल सिट्स इन द ग्रूव। और नट जो है आपको
हिलता नहीं है, ये आपको आपको ग्रुप यहाँ पर आपको बना दिया गया है, ग्रुप बनाने से ये आपको लॉक हो जाता है ना। तो ये आपको सात तरह का आपको नट आपको दिखाया गया जिससे कि जो है लॉकिंग डिवाइस है, लॉक नट है, ये आपको सात आपको दिखाया गया है। और दूसरा सात दिखाया गया और लॉकिंग प्लेट और स्टॉप प्लॉट आपको यूज किया जाता है। देखिए ये आपको ग्रुप नट है, रिंग, ये आपको ग्रुप नट आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है और ये आपको लॉकिंग प्लेट है ना लॉक करने के लिए। फिगर नंबर 9 लॉकिंग प्लेट है ये, ये आपको आपको जो नट आपको आपको ही आपको ये होगा ना तो ये आपको लॉक हो जाएगा है ना, ये आपको लॉक हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे ये आपको लॉक हो जाएगा, ये आपको लॉकिंग प्लेट है। और दूसरा ये आपको लॉकिंग बाय स्क्रू है, इसके साइड में एक स्क्रू लगा देंगे ना ये लॉक हो जाएगा है ना, यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे ना तो ये आपको घूमेगा नहीं, ये आपको लॉकिंग स्क्रू है। तो लॉकिंग प्लेट लगा करके लॉकिंग स्क्रू लगा करके इसको जो ये जो स्क्रू आती है सर, हाँ 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 बोलिए। ये बोल रहे थे सर मिनी डायरेक्टर से ये सीन डिजाइन बन सर, लॉकिंग बाय जो स्क्रू है सर, हाँ मिनी डायरेक्टर से ये बन जाएगा सर। हाँ तो स्केल से तो बनाना पड़ेगा ना, बन जाता है सर, वही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्केल से आप जो है नीचे वाला नीचे मतलब मोनी चले नीचे वाला जो है, हाँ बिल्कुल ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये बनाने के लिए ही तो दिया है। इसमें जो जो एक्सरसाइज इसमें आपको बुक में दिया हुआ है ना वो मिनी डॉक्टर ऑनलाइन कर दिए हैं सर, 7 से 10 तारीख तक में आ जाए। अच्छा ऑनलाइन के लिए, अच्छा वो वहां पे मिल जाता है ऑनलाइन, बोल रहे हैं सर ऑनलाइन कर दिया है। अच्छा तो वहां घर पे आ जाता है, 7 तारीख तक में बोला आ जाएगा। अच्छा अमेज़न से, हाँ आ जाएगा सर, घर पे नहीं भागलपुर आ जाएगा ना, ना अमेज़न अच्छा, से किया सर। अच्छा अच्छा तब तो बढ़िया है, कॉस्ट ज्यादा तो नहीं ले रहा है। अब बचा भूख, अच्छा हाँ लिया वही 350 सर। नहीं अभी का कॉस्ट हमको जानकारी नहीं है तो नहीं ठीक है, 350 ज्यादा ले लिया सर के, नहीं हमको अभी 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 सही कॉस्ट हमको जानकारी नहीं है तो वो आप वो आपको जरूरी है, उसमें आपको एंगल वगैरह में आपको सही से आपको आप जो भेजे थे ना तो हम कुणाल सर को भी बोले थे तो... हाँ कुणाल सर से पूछे, हाँ ओ, हाँ उससे कांटेक्ट में रहिए ना, ठीक रहेगा, क्या बोले वो कुणाल सर से भी, कुणाल सर जो है ना स्क्रीनशॉट करके हमको भेजा, हाँ अच्छा जी सर, हाँ वो भेजा हमको कि यही वाला ले लीजिए, हम वही ऑनलाइन कर दिए जो कुणाल सर भेजा ना, हाँ हाँ उसी को हम ऑनलाइन कर दिए। हाँ नहीं कुणाल सर बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे बोले सर, हाँ हाँ तो वो जो है तो वो आपको जरूरी है वो एंगल वगैरह बनाने में। आज एक और लड़का को दिए थे नंबर, हाँ जूम मीटिंग में जुड़ने के, हाँ हाँ लेकिन अभी तक ज्वाइन किया नहीं है पता नहीं, आज एक मेरा दोस्त को दिए थे जूम आईडी भेजे थे लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया, लगता समझ में नहीं आया होगा उसको। हाँ नहीं हम तो मैसेज डेली भेज रहे हैं तो ज्वाइनिंग किया जूम मीटिंग, आज जूम मीटिंग में आने से वो आपको पूरा मैं क्लियर कट उसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये सारे बुक हमारा बनाया हुआ है, बात नहीं समझ में, ये सारी बुक जो है ना हमारा खुद का ही डिजाइन किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत आने से मैं सारा आपको क्लियर बता दूंगा है ना, तो ये सारी बुक हमारी छपाई हुई है इसीलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, खुद ही आप डिजाइन बनाए सर। हाँ बिल्कुल 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 है ना, ये सारा जो है ना ये हम कई बुक के ऑथर हैं, बहुत अच्छा बना लिया है सर। हाँ तो ये सारा जो है आपको आपको जो है वो आपको किया हुआ है जी, हाँ तो
ये सारे फिगर एक बार आप बना लीजिए ना, रफ भी बना लीजिए ना, तो आपको आपको मदद मिल जाएगा। रफ भी बना लीजिए, रफ बना लीजिए एक बार, एक कॉपी में रफ बना लीजिए, तो आपको 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 याद कल हम बनाए थे सर, को भेजे थे। हाँ नहीं, आप रफ बनाइए और जो है आपको हम बना के कुणाल सर को भेजे थे, बोला था कि ठीक है थोड़ा सा और अति करो। हाँ नहीं ठीक है, आप भेजिए, कुणाल सर को भेजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग बहुत है ना। देखिए फिर ये आपको स्प्रिंग वॉशर से लॉक करते हैं, ये आपको स्प्रिंग वॉशर है ना, लॉकिंग बाय द स्प्रिंग वॉशर, ये आपको लॉकिंग डिवाइस है, इससे लॉक हो जाता है। स्प्रिंग वॉशर यूज करके आपको जो है आपको आपको जो है लॉक हो जाता है ना। तो ये जो है आपको लॉकिंग का, आपको यहाँ पर आपको ये आपको स्टड बोल्ट है, इसको स्टड बोल्ट बोलते हैं। स्टड बोल्ट का मतलब है दोनों साइड में थ्रेड होता है ना, दोनों साइड्स में आपको थ्रेड होता है, तो उसको स्टड बोल्ट बोलते हैं, स्टड और स्टड बोल्ट बोलते हैं, है ना। इसको ये आपको स्टड और स्टड बोल्ट है, ये आपको मेटल इंड है, ये आपको नट इंड है ना, ये आपको आपको डबल लॉक नॉट में आपको लगा हुआ रहता है, ये आपको स्टड नट है ना। तो लॉकिंग डिवाइस आपको इतने ही फिगर था लॉकिंग डिवाइस का, क्लियर हो गया आपको है ना। ये 12 फिगर हैं जो आपको लॉकिंग डिवाइस हैं, 12 फिगर हैं आपको लॉकिंग डिवाइसेस का, है ना। आप जो है अगला मैं आपको फाउंडेशन बोल्ट के बारे में आपको बताता हूँ, ये आपको फास्टनर है, फाउंडेशन बोल्ट जिससे कि फाउंडेशन किया जाता है, कोई भी मशीन का फाउंडेशन करते हैं, है ना, कोई भी मशीन में जो है फर्श पे फाउंडेशन किया, जैसे लेथ मशीन है ना, लेथ मशीन को नीचे आपको फाउंडेशन किया जाता है, तो ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है जिससे कि मशीन जो है वाइब्रेट नहीं करे। ड्रिल मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिल मशीन को जो है आपको नीचे फर्श पे रखते हैं और नीचे जो है होल बनाते हैं, होल बना करके आपको ये जो है आपको जमीन के अंदर दे देते हैं और ये आपको फर्श में रहता है और ऊपर से स्क्रू लगा देते हैं, है ना। ये हर एक मशीन में ये किया जाता है, कहीं भी इंडस्ट्री में मशीन का जो है सेटअप कीजिएगा, मशीन बैठाइएगा, तो ये फाउंडेशन बोल्ट आपको लगेगा, है ना। तो ये देखिए, ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है और ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है, आपको ये आपको दिखाया। एक बात पूछ रहे थे सर। हाँ बोलिए। हाँ बताइए। वो आज ग्रुप में जो भेजा था सर, रिजल्ट देखने के बाद जो कंप्लेन करने के लिए, क्या वो जो ग्रुप में भेजा था सर कंप्लेन करने के लिए, कोई भी मतलब रिजल्ट में अगर गड़बड़ी है तो वे कर दें सर क्या? नहीं, उसके लिए आप उसी से बात कीजिए। कौन भेजा था ग्रुप में जो आया था कि जिसका रिजल्ट में कोई संतुष्ट थी? हाँ नहीं तो आप जो कॉलेज से ही भेजा था। हाँ कॉलेज से ही भेजा है ना, तो जो भेजा है ना उसका व्हाट्सएप नंबर होगा ना, तो आप उसी से फोन करके जो है पता कीजिए कि जो है क्या बात है। नहीं देखिए, हमको रिजल्ट निकला है इतना तो पता चल गया, अब कैसा रिजल्ट है नहीं है ये भी क्या अभी हमको क्लियर कुछ भी नहीं है, तो आप उनसे जो है बात कीजिए कि क्या करना है नहीं करना है, आप उनसे बात कीजिए। आपको आपको जो जो व्हाट्सएप किया होगा उसका व्हाट्सएप नंबर दिया होगा ना, तो आप उनसे बात कीजिए, है ना। तो कैसे आप उनसे बात कीजिए कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि हमको अभी क्लियर आइडिया है नहीं जो है कि कितने बच्चों का रिजल्ट क्या हुआ है, ये हमें मालूम नहीं है। बातें नहीं समझ में, जब तक सारे बच्चे का रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तो तब तक जो है आइडिया नहीं लगेगा। तो अभी बात नहीं किए सर क्या आप? नहीं, वो बात जो है बात हुआ तो, लेकिन वो क्लियर नहीं है ना सारे। आप अभी बात नहीं किए कॉलेज सर क्या? नहीं, वो लिस्ट निकालेगा तभी ना, लिस्ट निकालेगा
तो वो तभी तो आइडिया लगेगा, वहाँ हो सकता है वहाँ समूहगंज में लिस्ट निकाला होगा। जी जी सर, लिस्ट वहाँ पे निकाला होगा, तो आप जो व्हाट्सएप किया ना, आप उससे बात कीजिए, वो आपको 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 हर तरह से हेल्प कर देगा, है ना? वो आपको हर तरह से जो है आपको यहाँ पर आपको जूम मीटिंग में और कभी भी पढ़ाते हैं सर कि एक ही बैच पढ़ा रहा है? नहीं, आपके लिए तो वहां पर आपको समूहगंज के लिए हम स्पेशल निकाल दिए थे जूम मीटिंग। जी सर, कि भाई वहां के बच्चों को दिक्कत हो रहा है, तो हम उसको जो है आपको ये सारा हम जो है क्लियर वो कर दे रहे हैं, लेकिन वहां से सिर्फ आप ही जुट रहे हैं और दूसरे बच्चे भी आते, तो वो सबको मैं क्लियर कर देता। क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा ना, देखिए नॉलेज रहने पे आपको हाँ हो रहा है सर, धीरे धीरे कांटेक्ट में जितना। हाँ तो आ जाए तो ठीक है, मैं तो क्लास उसको कंटिन्यू करता रहा हूँ, है ना? तो वो आपको आपको मैं ये आपको करता रहा हूँ, है ना? तो हाँ, और आज बच्चे भी आ जाए, आज तो भेजे थे लेकिन अभी तक जुटा नहीं है। नहीं तो आ जाएगा वो, जो है वो करेगा जो है ना? जी सर, तो ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है ना? देखिए आपको यहाँ पर हर एक टाइप का फाउंडेशन बोल्ट आपको दिखाया गया है। ये टाइप पे फाउंडेशन बोल्ट है आपको, ये आपको M20 का मतलब है। मैं जैसे आपको कल M का मैंने आपको समझाया था, मैट्रिक थ्रेड है, M20 लिखा हुआ है। तो और ये आपको B50 है, ये आपको A60 है, ये डायमेंशन आपको दिया हुआ है फाउंडेशन बोल्ट का। ये टाइप भी आपको M16 बोल्ट है। देखिए यहाँ पर M20 का थ्रेड दिया हुआ है, ये आपको टाइप बी आपको फाउंडेशन बोल्ट है, ये टाइप सी आपको फाउंडेशन बोल्ट है, ये हॉट फॉर्म्ड है, ये आपको टाइप सी फाउंडेशन बोल्ट है ना? ये आपको टाइप सी फाउंडेशन बोल्ट है और ये आपको टाइप डी फाउंडेशन बोल्ट है। अप टू M24 ये आपको टाइप डी फाउंडेशन बोल्ट है ना? ये आपको टाइप ई आपको फाउंडेशन बोल्ट है ना? ये आपको टाइप एफ आपको फाउंडेशन बोल्ट है। ये आपको छह तरह का फाउंडेशन बोल्ट के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है और ये सारे आपको जो है आपको मार्केट में आपको जो है मिलता है, ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है ना? ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है। फाउंडेशन बोल्ट आपको समझ में आ गया ना कि किस लिए यूज होता है? ये मशीन को फाउंडेशन करने के लिए नीचे नीचे होल बनाते हैं, ये नीचे होल बनाते हैं, होल बना करके इसको अंदर डालते हैं, फिर मशीन को उसमें ग्रूटिंग करते हैं, है ना? ये आपको आई फाउंडेशन बोल्ट है, ये इसका ये आपको दिखाया गया है। तो एक बार रफ फिगर भी आप बना लीजिएगा ना, तो आपको जो है जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ये आपको रैक बोल्ट है, रैक फाउंडेशन बोल्ट, ये ज्यादा मजबूत रहता है, देखिए, है ना? ये सल्फर हेड है, ये आपको रैक फाउंडेशन बोल्ट है। रेक्टेंगुलर पिरामिड और राउंड सेंक का आपको टेपर एंड, आपको यहाँ रैक फाउंडेशन बोल्ट आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, है ना? ये आपको रैक फाउंडेशन बोल्ट है, तो ये फाउंडेशन के काम में आपको आता है। ये आपको लेविस फाउंडेशन बोल्ट है, देखिए लेविस फाउंडेशन बोल्ट, देखिए ये क्वार्टर लगाया गया है, है ना? ये आपको रेक्टेंगुलर सेंक है और एक गिव हेड की आपको यहाँ पे लगाया गया है, है ना? ये आपको लेविस फाउंडेशन बोल्ट आपको यहाँ पर आपको लगाया गया है, ये आपको दिखाया गया है। लेविस फाउंडेशन बोल्ट आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपको लेविस फाउंडेशन बोल्ट है। और दूसरा ये आपको क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट है, देखिए ये आपको क्वार्टर लगाया गया है ना यहाँ पे, ये आपको क्वार्टर यहाँ पे आपको लगाया गया है जी, रेक्टेंगुलर स्लॉट, ये क्वार्टर रेक्टेंगुलर स्लॉट और क्वार्टर यहाँ पे आपको लगाया गया। ये कास्ट आयरन वाशर रेस्ट अबव द क्वार्टर, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना? ये आपको क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट है। तो सभी तरह का फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पर आपको दिखाया गया। देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ऑफ द स्केचेस ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट, ड्रॉ द फिगर ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट साउंड बिलो, कह रहा है ना? प्रैक्टिस के लिए बोल रहा है ना ये,
स्केच द आई फाउंडेशन बोल्ट साउंड इन फिगर वन डी इक्वल टू 20 mm. देखिए ये आपको फाउंडेशन बोल्ट बनाने के लिए कह रहा है, तो ये आपको ड्रॉइंग शीट में आपको बनाना है, तभी आपको क्लियर होगा व्हाट इज द फाउंडेशन बोल्ट, है ना, ये आपको क्लियर होगा. दूसरा रैक फाउंडेशन बोल्ट आपको डी इक्वल टू 20 mm बनाने के लिए बोल रहा है. स्केच द रैक फाउंडेशन बोल्ट साउन इन द फिगर डी 20 mm. ये आपको यहां पर रैक फाउंडेशन बोल्ट आपको यहां पे आपको बता रहा है. डी इक्वल टू आपको 20 mm दिया हुआ है, सारा डायमेंशन आपको दिया हुआ है, 2D, 3D, 5D, D, है ना, आपको ये पूरा ड्रॉइंग में आपको बनाना है. प्रैक्टिस ऑफ द स्केच ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट आपको दिया हुआ है ना, कल भी मैंने आपको बताया था ना कि उसमें आपको सीट बनाने के लिए बोलता है, तो ये आपको दिया हुआ है. तीसरा दिया है स्केच द लुईस फाउंडेशन बोल्ट साउंड इन फिगर डी इक्वल टू 20. ये आप तो लुईस फाउंडेशन बोल्ट है उसके बारे में आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आपको लुईस फाउंडेशन बोल्ट के बारे में आपको दिखाया जा रहा है. तो आपको ये आपको अगला टॉपिक रिवेट्स एंड द रिवेटेड ज्वाइंट है. तो आपको मैं फाउंडेशन बोल्ट और द लॉक नट यही दो मैं आपको आपको रहने देता हूं आज. ये देखिए आपको ये कह रहा है स्केच द रैक फाउंडेशन बोल्ट साउन इन फिगर टू. ये आपको रैक फाउंडेशन बोल्ट है, ये आप जो है ड्रॉइंग में बनाइए, है ना, ये आपको ड्रॉइंग में आप बनाइए. लुईस फाउंडेशन बोल्ट है ये, आप जो है आप ड्रॉइंग में आप बनाइए. स्केच द आई फाउंडेशन बोल्ट ये आप बनाइए, ये आपको स्केच द आई फाउंडेशन बोल्ट है ये आप ड्रॉइंग में बनाइए. तो ये आपको तीन आपको यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए पांच यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ था, पांच फिगर क्वार्टर फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है, लुईस फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है, रैक फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है ना, और रैक फाउंडेशन बोल्ट और ये जो है आई फाउंडेशन बोल्ट, ये आई फाउंडेशन बोल्ट है ना, ये आई फाउंडेशन बोल्ट है. और यहां पर जो है फाउंडेशन बोल्ट का कई टाइप आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है. मैं इसको आपको जूम करके बड़ा कर देता हूं. है ना, देखिए है ना, ये टाइप ए है. देखिए M20 का मतलब थ्रेड है, M का मतलब है ना थ्रेड होता है, डायनेशन थ्रेड होता है, 20 का मतलब डायमीटर है ना. A60 आपको दिया हुआ है, B50 दिया हुआ है, C105 दिया हुआ है, G75 दिया हुआ है, सारा डायमेंशन आपको दिया हुआ है. यहाँ पर आपको ये फाउंडेशन बोल्ट का टाइप ए का ड्राइंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है. टाइप बी का फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, M20 दिया हुआ है, B50 दिया हुआ है, A60 दिया हुआ है, Y5D दिया हुआ है, G55 दिया हुआ है. ये आपको सारा आपको अप्रोक्सीमेट साइज 2.5D के बारे में आपको दिया हुआ है. ये आपको टाइप बी है, आपको M16 आपको दिया हुआ है ना. ये आपको टाइप सी है, हॉट फॉर्म्ड है, आपको यहां पर देखिए M20 आपको दिया हुआ है. M का मतलब है थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, कल मैंने आपको बताया. ये आपको जो है आपको ड्राइंग में काम आएगा, इंडस्ट्री में काम आएगा, वहां पर आपको एम जैसे ही देखेंगे आप कहेंगे ये मैट्रिक थ्रेड है. और ये आपको इक्वल टू 50, ये आपको सी इक्वल टू 30, ए इक्वल टू 60 और जी इक्वल टू 14, है ना. ये आपको टाइप सी आपको दिया हुआ है, टाइप सी फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है. और ये जो है ना आपको टाइप डी फाउंडेशन बोल्ट दिया हुआ है, टाइप डी. देखिए दो व्यू आपको बनाया हुआ है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको बनाया हुआ है. एम इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 40, है ना, एस इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 60. ये आपको टाइप डी फाउंडेशन बोल्ट आपको बनाया हुआ है. और ये आपको टाइप ई फाउंडेशन बोल्ट देखिए यहां पर आपको बनाया हुआ है, टाइप ई फाउंडेशन बोल्ट. लेंथ आपको दिया हुआ है आई इक्वल टू 200 टू 800, 7 साइजेज में आता है.
ये मार्केट में ना लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना लेंथ का मंगाना है, मार्केट से कितने लेंथ का मंगाना है, आप आपको वहां पर मतलब लेंथ क्या दिया रहता है सर, 200? हाँ 200 से 800 mm के बीच में ये मार्केट में मिलता है ना, लेंथ दिया हुआ ना, आई 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 यही तो है, आई यही लेंथ लेंथ ही तो है, आई ये लेंथ है 200 से 800 सेवन साइजेज में ये मार्केट में आता है। तो इंडस्ट्री में जाएंगे कहीं आपको मशीन को सेटअप करना है तो ये फाउंडेशन बोल्ट का आप ऑर्डर देंगे, फाउंडेशन बोल्ट जो है वो जरूरी होता है मशीन को फाउंडेशन करने के लिए। हम बहुत मशीन फाउंडेशन कराए हैं, बहुत जगह मशीन लगवाए हैं और बहुत मशीन का मैंने फाउंडेशन करवाया है, तो ये फाउंडेशन बोल्ट वो से ही आपको फाउंडेशन होगा, दूसरे फाउंडेशन नहीं होगा। ये देखिए आपको यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, ये M20 है ना, M20। आप तो बिहार सर नहीं आते हैं ना? नहीं आते हैं अभी अभी जो है कोरोना की वजह से जो है नहीं आएंगे, तो आपसे मिलेंगे आपसे। नहीं, बहुत दिन से तो नहीं आए होंगे सर। नहीं, ये कोरोना की वजह से जो है वो जो है फंस गए हैं, नहीं तो जो है हम आपका बिहार में सर भागा थे, सुल्तानगंज गांव पड़ता है, कहाँ पड़ता है सर? क्या चीज मेरा? नहीं, मेरा शंभुगंज ही है। गांव का नाम क्या पड़ता है सर? मेरा शंभुगंज तो है, कह तो रहे गांव का बस्ती। हाँ शंभुगंज ही है, आज प्रॉपर शंभुगंज है सर। हाँ, खास प्रॉपर शंभुगंज ही है। अच्छा, शंभुगंज में ही करवा सर? हाँ, बिल्कुल। वहाँ का सारा लैंग्वेज हम वहाँ पर आपको देखा हुआ है, सुल्तानगंज हमारा देखा हुआ है जो है, तो हम गंगा के दर्शन करने जो है कई बार जो है वहाँ सुल्तानगंज जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जो है वहाँ पर जो है जाते हैं, है ना, तो हम जाते हैं जो है, तो हाँ जो है अभी अभी जैसे कोरोना अभी चल रहा है ना, कोरोना खत्म हो, अब आइएगा बिहार तब सर मिलेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल जो है बिल्कुल आपसे जो है मुलाकात जी, आपसे मुलाकात करेंगे ही, है ना, तो आप वहां से ITI कंप्लीट कीजिए, आप दिल्ली आइए, क्योंकि दिल्ली तो आपको आना ही पड़ेगा, दिल्ली में ही मिलते हैं। जी सर। हाँ आप पहले ITI कंप्लीट कीजिए, फिर जो है अपना कैरियर का पाथ बनाइए कि इंडस्ट्री में आपको अच्छा जॉब जो है वो अच्छा, करना है, जी सर। तो जो है हम वहाँ पे ITI कंप्लीट हो, ITI का हाँ उससे अप्रेंटिस कर। हाँ तो जो है ITI कंप्लीट करके जी सर, वही तो हम प्रयास में है सर। हाँ, बिल्कुल वही तो हम प्रयास में है सर, अगर हो जाएगा तब तो वहाँ पहुँचिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल तो, नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। दिल्ली में भी कहाँ मतलब ज्यादा दूर में रहते हैं कि आना रहती है? हमारा नहीं, दुर्गा पार्क में रहता है हमारा भाई सब, मामा सब दुर्गा पार्क में रहता है, मामा जी रहते हैं। हाँ सर, हम तो यही फिराक में है कि अगर क्लियर हो जाने के बाद तब तक जब तक जॉब नहीं होगा ना तब तक इसी में। हाँ जी सर, मामा सब भाई। हाँ, और एयरपोर्ट में मेरा मामा गाड़ी चलाता है एयरपोर्ट में अपना। हाँ तो बिल्कुल आप दे, तो आपका तो फिर तब बहुत अच्छा लिंक है, जब मामा जी आपका दुर्गा पार्क में एयरपोर्ट है। नहीं होता है जो आता है मतलब बाहर से विदेश से लोग। हाँ बिल्कुल, मैं हम समझ गए, वो पालम में है, वो जो है बहुत अच्छा, आपका तो बहुत अच्छा लिंक है, तो आपका जब मामा जी दिल्ली में है तो आप वहां से कंप्लीट कीजिए और यहाँ पर आप आ करके जो है धीरे धीरे आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए, कंपनी के अंदर में आप जो है घुस जाइए, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे है, मारुति है, होंडा है, कृष्णा मारुति है, JCB है ना, फिर धीरे धीरे जो है आप अपना कैरियर बनाते जाइए, है ना, तो जो है बहुत अच्छा आपका रहेगा, आप जो है ये सारा जो है आपको जो है जॉब के लिए तो सर आप ही को खाली सेट कर दे, जॉब के लिए तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा सर, आप कहीं घुसा दीजिएगा उसके बाद हम मेहनत करेंगे।
नहीं देखिए, कई जगह से जो हमारे पास जो आता है ना, मैं जो है वो आपको वहां पे भेज देता हूँ कि ये कंपनी का आया हुआ है, तो मैं लिंक वहां पे दे देता हूँ। लेकिन उसमें बात है ना कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, जनरल मैनेजर बैठता है, तो जब जी तक नॉलेज नहीं रहेगा तो वो आपको डिफिकल्ट होगा, और घुसने के बाद भी, इंडस्ट्री में घुसने के बाद भी आपको दिक्कत होगा, अगर नॉलेज नहीं है ना तो आपको दिक्कत होगा। जी सर नॉलेज नहीं है ना तो आपको वहां पे, आपको मशीन को हैंडल करने में आपको आपको वहां पर आपको दिक्कत होगा। इसीलिए इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए, और जो है और ये सारा जो है आपको जो है, हाँ मेरा भाई सर एगो है, हाँ 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 बोलिए। बोल रहे थे सर क्या हाँ बोल बताइए। रहे थे, मेरा भाई एगो एयरलाइंस का मतलब डिग्री लिया है, डिप्लोमा किया है दिल्ली में, हाँ, तो एयरलाइंस में कोई विभाग में कांटेक्ट नहीं है सर आप लोग का? एयरलाइंस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, आप एक बार व्हाट्सएप किए थे बोल नंबर। रहे हैं सर एयरलाइंस में विभाग का एगो मेरा भाई जो है ना डिप्लोमा किया है एयरलाइंस में, अच्छा अच्छा उसमें वो जॉब खोज रहा है लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है, दिल्ली से कोर्स किया है सर। अच्छा नहीं देखिए, हमें आइडिया नहीं है कहाँ से किया है जी 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 सर, ये हमें आइडिया नहीं है और वो एयरलाइंस। दिल्ली से ही कोर्स किया है सर अच्छा, तो उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। लेकिन अभी तक उसको मिला नहीं है, कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ है प्राइवेट में भी। हाँ, ओ अच्छा नहीं, इसमें आईटीआई करने आईटीआई के, का आपके पास है ना? आईटीआई करने के अच्छा बाद आईटीआई ना, क्या है सर, ये कोर्स होने दीजिए उसके बाद हम लोग को कहीं सेलेक्ट करिएगा, और क्या फिर आईटीआई करने के बाद आपको 10 से 12 हजार का नौकरी तो, आइएगा, और इसके पहले अगर आ जाइएगा ना सर। हाँ हाँ सर क्या हाँ थे? आप बोलिए बोलिए, क्या बोलिए सर। कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ 10 से 12 हजार स्टार्टिंग होगा सर ना, नहीं, 10 से 12 हजार ये का स्टार्टिंग मैं हुआ कह सर रहा हूं कि आपको आसानी से मिल बोलते हैं, 10 से 12 हजार जाएगा। स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग तो बोल रहे हैं, ज्यादा दस से से भी होता बारह हजार है। स्टार्टिंग होगा सर ना। नहीं, स्टार्टिंग तो ज्यादा से भी होता है, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग जो है ना, जैसे रेलवे वगैरह में मिल गया तो आपको आपको उसमें अच्छा सैलरी है, और जी सर मारुति वगैरह में है तो उसमें अच्छा सैलरी है, जी सर लेकिन ये इतना का तो आप पैर जी रख करके आप जो है कहीं भी, जो दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, मायापुरी है, तो आप जिस दिन पैर यहाँ पे रख लीजिए आपको उतना तो 12 हजार रुपये तो आपको कहीं नहीं जाता है। मैं ये कह रहा था आपको, मिनिमम मैं कह रहा था, मिनिमम मिनिमम में ये मैं आपको कह रहा था, मैक्सिमम तो आपको आपको अच्छा अच्छा कंपनी में, मारुति में आपको लग गया, हीरो होंडा में लग गया, तो वो आपको ज्यादा लग रहा है, ये आपको मैं मिनिमम कह रहा हूं, जी बात आ नहीं समझ में। तो रेलवे वगैरह में लग गया सर तो आपको जो है आपको अच्छा ऑफर मिलेगा, ये तो मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं कि ये जो है आपको, ये आपको कहीं नहीं जा रहा, तो ये तो मैं आपको मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, जी सर है ना। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, ये ड्राइंग वगैरह जो है ना, अभी मेहनत करिएगा तो आपको बढ़िया है, ये ड्राइंग वगैरह जो दिया हुआ है ना, इसमें आप सारा ड्राइंग आप कम से कम रफ बना लीजिए इस, और एक बात बोल रहे थे सर, आप बोलिए और हाँ जी जी सर, और हम बोलिए। एक बात बोल रहे थे सर, हाँ, बोलिए। जी सर जी सर बोल रहे थे कि अगर जो है ना एग्जाम के पहले आप आते हैं ना बिहार, तो ये हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए बता देते तो और सहूलियत हो जाता, लेकिन आप आइएगा तब ना सर, आप ही से क्लास ले लेते सर। बोल रहे नहीं, वो सर तो एग्जाम के पहले आप अगर बिहार आइएगा ना तो हम लोग का ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए बता दीजिएगा सर। देखिए, मैं वहां आऊंगा तो मैं वहां पर आपको आपको बुला लूंगा, है नहीं ना। समझे सर बात को? हाँ, मैं समझ गया, मैं वहां जाऊंगा तो मैं मैसेज भेज के, मैं सारे बच्चों को बुला करके, मैं ड्राइंग का जो है मैं आपको आपको क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल क्या आप सर सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो
मैं जाऊंगा तो वो क्लियर कर दूंगा। ये सारा ड्राइंग मेरा बनाया हुआ है हाथ से, ये जो है ना ये सारे जो है कंपास से बनते हैं, ये सारा मेरा खुद का किया हुआ है, तो ये बुक मेरा लिखा हुआ है, इसीलिए सारा ड्राइंग एक एक करके जो है वो। देखिए, हाँ आप ज्यादा बता नहीं पाइएगा सर, आप बुक छापते हैं ना। हाँ तो इसीलिए जो है, नहीं मैं जाऊंगा तो ठीक है, वो आपको, आप सही कह रहे हैं कि जो है ये अपॉर्चुनिटी तो जी, वही आपको बोला। आपको जो है मिल ही जाएगा कि हम जो है वहां करके वो क्लास ले लेंगे और हर एक तरह का इसीलिए तो प्रॉब्लम। बोल रहे हैं सर, आप कोशिश करिएगा एग्जाम के पहले आने के लिए। नहीं अभी अभी तो कोरोना है, इसीलिए अभी कोरोना में तो कुछ नहीं कह सकते, है ना, कोरोना है ना, तो कोरोना में अभी तो जो है रेलवे भी ठीक से टिकट वगैरह नहीं मिलने में दिक्कत हो जी रहा है, सर, तो जो है लेकिन हम जब भी जी जाएंगे सर, तो वहां पर हम जो है ग्रुप में जो है मैसेज भेज के वो सारे बच्चों को बुला करके हाँ। वहां पे दिखा देंगे। एग्जाम का पहले कोशिश करिएगा सर, एग्जाम का पहले जुलाई में। हाँ देखिए लेकिन अभी हम कुछ आपको एश्योर नहीं कर सकते हैं। आप जी, जो है आप कुणाल जी को फोन करिए, कुणाल जी को आप देखे कि मैंने जो है कितना स्ट्रिक्ट लेटर लिखा है ना, तो वो कुणाल जी को सर, हम जो है एक्सपर्ट बना देंगे अभी अभी ड्राइंग में, कुणाल जी को हम एक्सपर्ट बना देंगे और जो है जी वो जो है उसको भी एक्सपर्ट हम जो है बनाएंगे और फिर हम आएंगे तो हम जो है आपको जो है वहां पर जो है आपको सिखाएंगे, है जी सर, जी सर, ना। तो ये आप ये कर सकते हैं कि जैसे देखिए जी सर, ये जो लॉकनट है ना सीमंड ने बनाया है, ये एक अंग्रेज है सीमंड, वो लॉकनट बनाया है ना, इसको सीमंड लॉकनट बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह एक दिमाग लड़ाइए कि भाई हम एक तरह का लॉकनट बना दिए, एक तरह का फाउंडेशन बोल्ट बना दिए जो कि सारे हाँ जितने जितने जी लॉकनट सर, है उससे जो है बढ़िया है, जी तो आपको इंडस्ट्री में आपको तुरंत रख लेगा। जी बात समझ में आ गई आपको? आप जैसे जैसे लॉकनट देखे ना, यहां पर आपको आपको 9 तरह का लॉकनट दिखाया गया, आप बोलिएगा कि ये लॉकनट मेरा हाँ बनाया हुआ है, ये लॉकनट का डिजाइन जी हमने किया है, जी तो इंडस्ट्री में आपको आपको तुरंत ले लेगा, है जी ना। जी सर, हाँ ये इसी तरह डिफरेंट टाइप का जो टूल्स है, टूल्स के बारे में आप उसको जो है आप उसको देखिए, एक नया तरह का टूल निकालिए, जी उसका नाम जो है आपके नाम पे ही रह जाएगा कि भाई इसने जो है आपको जो है ये टूल ने आपको निकाला है ना। तो इसके बारे में जो है आप जो है अभी बनाना शुरू कर दीजिए जी ये। सर, एक हाँ बात पूछ रहे थे कि बोलिए, हाँ आपके पास, बताइए। जी सर, है ना, तो आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं, बना रहे हैं सर फिगर। बोला हाँ सर, फिगर इसका आप, हिंदी में भी बुक आता होगा सर। बोलते हैं हिंदी में भी बुक आता होगा सर, आप तो इंग्लिश में लिखे हैं ना, तो हिंदी में भी बुक आता है नहीं क्या? नहीं 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 देखिए आपको नहीं है, मैंने इसीलिए तो बोला था ना कुणाल से कांटेक्ट कीजिए। बोल रहे हैं सर कि हिंदी में भी बुक आता है इसका नहीं क्या? नहीं 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 आपको आपको इंग्लिश में इसीलिए बोला ना, बुक इंग्लिश बुक सर, आपको हिंदी में भी आता है क्या? नहीं। देखिए यहां पर जैसे आपको कह रहा है स्लॉटेड, स्लॉटेड का हिंदी मीनिंग आपको है ही नहीं, आप ही बताइए क्या होगा। स्प्लिट पिन जी जैसे सर, मैंने कहा ना स्प्लिट पिन, आप बताइए नहीं, हिंदी क्या है। बुक तो हम ले लेंगे भागलपुर में। भागलपुर में मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ फाइल आपको आपको भेज दिया गया है, पीडीएफ फाइल से आप जो है प्रिंट करा लीजिए, हिंदी इसका, है ना। हाँ, हिंदी में मुश्किल है, और इसका हिंदी ही नहीं सर। नहीं है नहीं है नहीं है, हिंदी में आपको मुश्किल है।